हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑन ऑडिटिंग एंड इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स तो बेसिकली अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है क्वालिफिकेशंस वगैरह के आने वाले वीडियोस रहेंगे क्वालिफिकेशंस ड्यूटीज वगैरह वो आगे देखेंगे हम लेक्चर्स के अंदर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर ठीक है तो छोटा सा वीडियो रहेगा बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा बट इंपॉर्टेंट है ओके okay? एंड जो भी लेक्चर्स के पीडीएफ फ़ाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लास्ट के फाइव सिक्स डेज जो बचे हैं उसमें अगर करना चाहो तो कर सकते हो यूपीएससी ईपीएफओ कोड यूज़ करके फिफ्टी परसेंट ऑफ़ आपको मिल जाएगा और इसके अंदर पी फाइल्स भी इंक्लूडेड रहेंगे यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं उनके सो अलग से लेने की जरूरत नहीं है फिर सब्सक्रिप्शन ओके okay? नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के अंदर आपको प्रोविजंस मिलते हैं और ये जो प्रोविजन है ना हम इसको तीन कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं एक हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट दूसरा सबसिक्वेंट ऑडिटर और फिर हम यहाँ पर एक कैटेगरी रख सकते हैं दैट इज़ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी तो ये तीन कैटेगरीज इसके अंदर रहती हैं तो एक एक करके समझते हैं कि फर्स्ट ऑडिटर बेसिकली क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम अपॉइंटमेंट देखेंगे तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट प्रोसीजर ऑडिटर में बेसिकली uh, पर क्या आपका पॉइंट आ जाता है जब होती है 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 जब जब कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट होती होती ठीक उसके बाद जब कंपनी के अंदर पहली बार ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो होता बेसिकली क्या है अब कंपनी सेक्शन वन थर्टी नाइन है ये जो इस बारे में हमें गाइडेंस देता है सेक्शन याद करने की हमें जरूरत नहीं है तो जैसे ही कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है उस रजिस्ट्रेशन होने के थर्टी डेज के अंदर अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना उनको कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर auditor या ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, रजिस्ट्रेशन के थर्टी डेज के अंदर अंदर ठीक है क्यों क्योंकि कंपनी फॉर्म होने के बाद ही जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है ऑफ हैविंग ऑडिटर वो शुरू हो जाती है कंपनी के ऊपर तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा

पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी उसके अंदर शेयर होल्डर्स अपना ऑडिटर चुन लेंगे अब हो सकता है कि वो जो ये फर्स्ट ऑडिटर है उसी को अपना परमानेंट ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स भी चूज कर ले बट फिलहाल के लिए जो ऑडिटर है जो फर्स्ट ऑडिटर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करेगा ठीक है और जब ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं तो ये जब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ना तो इसके लिए इनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है जब मे जब आपका फुल फ्लेज ऑडिटर अपॉइंट करा जाता है ना तब तो उनको रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देना पड़ता है कि हाँ जी दिस पर्टिकुलर पर्सन और दिस पर्टिकुलर फर्म को हमने एज ऑडिटर जो है वो हायर किया है लेकिन फर्स्ट ऑडिटर के केस में रजिस्ट्रार को कोई इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थर्टी डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते तो उस केस में क्या होगा उस केस में रजिस्ट्रेशन के विद इन नाइन्टी डेज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी दिस इज नॉट द एनुअल जनरल मीटिंग दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग

फर्स्ट ऑडिटर ऑफिस कब तक होल्ड करता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका सबसीक्वेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अब इसके लिए सेक्शन 1391 है ठीक है तो अब देखो आपके फर्स्ट ऑडिटर का तो काम खत्म हो गया फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई और उसका काम खत्म अब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होते ही जो है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे वो इंडिविजुअल को अपॉइंट कर सकते हैं या किसी फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ ऑडिटर और ये जो ऑडिटर होगा ही विल बी होल्डिंग ऑफिस पहली एनुअल जनरल मीटिंग के एंड से लेके सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग तो बेसिकली समझ लो कि कितना टर्म हो गया फाइव ईयर्स ठीक है फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स का टर्म हो गया एंड जब यह अपॉइंटमेंट होगी इस अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर का रिटर्न कंसेंट चाहिए कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ अपॉइंटमेंट के लिए एंड ऑडिटर को ये भी सर्टिफाई करना होगा कि जो भी क्राइटेरिया है सेक्शन 141 के अंदर जो हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर भी देखा था सेक्शन 141 के अंदर कहीं ना कहीं बताया गया है कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए ऑडिटर को या अगर फर्म है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए तो वो वाली जो कंडीशन है वो उसको फुलफ़िल करनी होगी ठीक है कि वो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है उसका सर्टिफिकेशन उसको देना पड़ेगा एंड uh, जब कंपनी फाइनली अपॉइंटमेंट कर लेगी तो ऑडिटर को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा ठीक है और रजिस्ट्रार को भी uh, उनको नोटिस देना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के विद इन फिफ्टीन डेज या मीटिंग के विद इन फिफ्टीन डेज जो है आपको रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है तो फिफ्टीन डेज वाला पीरियड भी आप याद रखेंगे एंड फाइनली इसके अंदर जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है आपकी फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी तो कैजुअल वैकेंसी बेसिकली क्या हुआ पाँच साल के पीरियड के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा रहा है ठीक है अब हो सकता है कि वो पाँच साल से पहले उसका अपॉइंटमेंट का टर्म खत्म हो जाए उसके वेरियस रीजन हो सकते हैं वो रेजिग्नेशन दे दे ठीक है डेथ हो जाए या डिसक्वालीफाई कर दिया जाए ऑडिटर को तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई ना क्योंकि एकदम से बंदा चला गया तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, हो गई। तो उसमें अगेन्शन वन थर्टी नाइन क्या कहता है कि जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये करेंगे कि वो उसको 30 डेज के अंदर उस वैकेंसी को फिलअप करने की कोशिश करेंगे ठीक है लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम रेजिग्नेशन ठीक है अगर रेजिग्नेशन के अलावा कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो रही है जैसे डेथ या डिसक्वालिफिकेशन तो थर्टी तो डेज में लेकिन अगर वैकेंसी जो है वो रेजिग्नेशन की वजह से हो रही है ठीक है तो उस केस में जो अपॉइंटमेंट होगी नए ऑडिटर की दैट शॉल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग कन्वेंड विद इन थ्री मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड तो जैसे फॉर एग्जांपल अब रेजिग्नेशन के केस में भी बोर्ड ने उसको एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर लिया लेकिन ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी तीन महीने के अंदर अंदर और जनरल मीटिंग को उस रिक जो रिकमेंडेशन है या जिसको बोर्ड ने अप्रूव किया है उसको एक्सेप्ट करना होगा ठीक है वंस द एक्सेप्टेंस इज़ डन उसके बाद वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और फिर नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि उसको ऑडिटर रखना है या नहीं रखना तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि फॉर एग्जांपल रेजिग्नेशन हो गया या डेथ हो गया तो फॉर एग्जांपल पाँच साल के लिए एक ऑडिटर था दो साल बाद उसने रिजाइन कर दिया या डेथ हो गया तो बाकी के तीन साल के लिए अप्रूव हो गया नहीं ठीक है वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि उसका अप्रूवल होना है या नहीं होना है कैजुअल वैकेंसी के केस में सो दिस वाज इट गाइस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अभी आने वाले लेक्चर्स में क्वालिफिकेशंस वगैरह भी देखेंगे ओके आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ऑडिटिंग को मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज्यादा इसमें करने की अपने को जरूरत भी नहीं है अपने को सीए थोड़ी बनना है अभी ठीक है अपना ये ई वाला पेपर क्लियर हो जाए तो अपने लिए तो वही सीए है ओके okay, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक केयर एंड बाय